राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे, इससे आपको फायदा जरूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान जरूर जरूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है, नाइन ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, नाइन ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए, नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ वेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द चैरियट, फाइव ऑफ कप्स। चलिए मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ अभी। एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन, सेवन ऑफ, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एट ऑफ कप्स का मीनिंग है कि कहीं ना कहीं जिंदगी से, लव लाइफ से हताश हुए हैं, इन्हें वो प्यार ज़िंदगी में नहीं मिला जो ये डिज़र्व करते थे। ये इतने अच्छे इंसान, इतने प्यारे इंसान थे, और इन्हें सच में प्यार, इन्हें सच्चा प्यार मिलना चाहिए था, जो कि आप थे और आप इनकी ज़िंदगी में हो नहीं। तो फिर इन्हें ये लग रहा कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई चीज़ है नहीं। प्यार का मीनिंग, लव का सिनोनम आपका नाम था इनके लिए, और आप हो नहीं, तो अब आप किसी और के प्यार की इन्हें क्या ज़रूरत है। तो ये दुनिया से डिटैच हो रहे हैं। हो सकता है ये किसी स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हों, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हों, हो सकता है ये यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अपना डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो कि दुनिया में ज़्यादा दिल नहीं लगाना, किसी से ज़्यादा दिल नहीं लगाना, मोह नहीं लगाना। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जहाँ जहाँ अटैच हुए हैं वहीं वहीं इनको पेन मिला। आपसे अटैच रहे लेकिन डिवाइन कुछ ऐसी प्लानिंग रही, कुछ आपके कार्मिक अकाउंट जो कुछ भी होंगे उससे आप सेपरेट हुए, तो वहाँ भी दर्द मिला। और भी इन्होंने जहाँ जहाँ दिल लगाया, अपनी फैमिली में भी जहाँ जहाँ दिल लगाया वहाँ से इनको दर्द मिला। तो अब ये वहाँ से डिटैच हो रहे हैं कि मुझे अब कहीं दिल लगाना ही नहीं है। जब डिटैचमेंट, जब जहाँ दिल लगाओ वहीं दर्द मिलता है। तो और जैसे ही इन्होंने डिटैचमेंट की एनर्जी में आए हैं, इन्होंने ये रियलाइज़ हुआ कि डिटैचमेंट बेटर है। तो जैसे ही डिटैचमेंट की एनर्जी से आए हैं, वैसे ही ये खुश रहने लगे, ये अपने आप में खुश रहने लगे। जब किसी से दिल ही नहीं लगाओगे तो किसी के आने जाने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो इंसान खुश तो रहेगा। इसी को यही सनातन सिखाता है कि आप निष्काम कर्म करो, कर्म योग करना है, यानी कहीं भी दिल नहीं लगाना है, दिल सिर्फ ईश्वर के चरणों में लगा रहना चाहिए, बाकी काम करते रहो। तो ये इस बात को समझ रहे हैं और इसी को फॉलो कर रहे हैं, इसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसीलिए ये सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। सेलिब्रेट मतलब इनकी सोल सेलिब्रेट कर रही, सोल खुश हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो सेलिब्रेशन है, इनके दिल का जो सेलिब्रेशन है, ये आपकी वजह से है, आपसे ये कनेक्ट कर पा रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि ये जो डिटैचमेंट की एनर्जी है, ये जो दुनिया को देखने का जो इनका नज़रिया आप बदला है, ये आपकी वजह से बदला है, ये आपने इनको संभाला, ये आपने इनको गाइड किया था। ये कहीं ना कहीं आपकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, जो आप पहले बातें कहा करते थे उन बातों को फॉलो करके इनको ये समझ आया कि फालतू में मैंने दिल लगा रखा था दुनिया में, दिल लगाया था तभी तो दुखी था, दुखी थी। अब जैसे ही दुनिया से दिल एक्सपेक्टेशन छोड़े हैं, वैसे ही सुकून मिलने लगा। तो इन्हें ये फील हो रहा है कि ये आपकी देन है, इसीलिए ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप फाइनेंशियली परेशान रहे हो, तो ये फाइनेंशियली भी आपकी मदद करना चाहते हैं। इन्हें ये एहसास है कि ये आपको
जस्टिस नहीं दे पाए, आप जो प्यार डिजर्व करते थे ये आपको नहीं दे पाए किसी के मैनिपुलेशन की वजह से, कोई थर्ड पर्सन की वजह से, या रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, सोसाइटी, फैमिली, किसी की भी रीज़न की वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पाए, और इस बात का इन्हें पछतावा आज तक है, इन्हें आज तक पछतावा है कि आखिर आपको ये अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं रख पाए, कैसे आप दूर हो गए, कैसे इनकी नज़र में आप कोहिनूर हैं और ये कोहिनूर इनकी ज़िंदगी से कैसे चला गया, ये बात ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इनके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ है उसके बाद भी इन्हें लगता है कुछ नहीं है। इनके पास सब कुछ तभी होगा, ये तभी मानेंगे सब कुछ जब ये आपसे यूनाइट होंगे। आप अगर मैरिज की दहलीज में हैं तो ये आपसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जब तक आपसे शादी नहीं हो जाती, जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आ जाते, तब तक इनकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, ऐसा ये महसूस कर पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि बस आप चाहिए इनकी ज़िंदगी में, और आपको पाने के लिए ये कुछ भी करेंगे, ये किसी को नहीं सुनेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का मीनिंग है ये अब उन लोगों से दूर हो पाएंगे, अब उन लोगों की होशियारी समझ पाएंगे जिन लोगों ने आपके रिश्ते को ख़राब किया था, जो लोग आपको गलत कहते थे ना, हकीकत में वही लोग गलत थे, ये बात इनको अब समझ में आएगी। किसी भी और के पर्सन समझ रहे हैं इस बात को, इसीलिए अब उन लोगों के लिए इन्होंने सपोर्ट उठा ली है। इन्होंने ये सोच लिया है कि मुझे अब नहीं सुनना किसी की, मुझे वो करना है जो मेरे लिए सही है, मुझे मेरी हैप्पीनेस पे ध्यान देना है। ये इस दुनिया ने मुझसे सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के बारे में, अपनी हैप्पीनेस कम्प्लीट कराई है, बस अपने लिए ही दुनिया ने कराया है, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जिसने किया, जिस पर्सन ने मेरे लिए किया, उसे मैं उसके प्यार के बदले में प्यार दे नहीं पाया, तो अब मुझे किसी और की सुननी नहीं है। तो ये डिटैच हो रहे हैं, मुझे कम्प्लीटली दुनिया से डिटैच होते हुए फील हो रहे हैं। ये अपनी फैमिली से, जॉब से, इन्हें कहीं कुछ नहीं चाहिए। इनका अटैचमेंट अगर है तो सिर्फ आप हो, ये आपसे कम्प्लीटली अटैच है। मुझे 555 दिखाया है तो ज़रूर अब इनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, इनकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है, इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इन्हें लग रहा है कि आप नहीं हो तो ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो गई। चैरियट, ये जो चेंज इनमें आ रहा है, ये चेंज लाने की इन्होंने कोशिशें भी की हैं, इन्होंने समझने की कोशिशें भी की हैं, इसीलिए चीज़ें समझ पा रहे हैं। ये जो सवाल कर रहे हैं अपने मन में, डिवाइन इनको आंसर भी कर रहे हैं, इसलिए समझ पा रहे हैं कि मतलब आपको किस नज़रिए से इनको देखना चाहिए था और दुनिया को इन्हें किस नज़रिए से देखना चाहिए था, आप इनके लिए कितने वैल्यूबल होना चाहिए थे और दुनिया को इन्हें कितनी वैल्यू, किस लेवल की वैल्यू देना चाहिए थी, ये बात इनको अब समझ आ रही है। अभी तक इनसे गलतियाँ हो गई, इन्होंने उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू दी जो इनके लिए बेनिफिशियल नहीं थे। आप बेनिफिशियल थे, आप इनके लिए जेन्युइन पर्सन थे, और आप पे ये ध्यान नहीं दे पाए, ये दूसरों पे ध्यान देते रहे, ये बात इनको अब समझ आ रही है, अब क्लियर होने वाला है सब कुछ। ये सब समझ पाएंगे कि इन्हें अब इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ये रिश्ता संभलेगा और क्यों ये ख़राब हुआ। जब किसी चीज़ के ख़राब होने की एक्यूरेट वजह पता चलती है तब वो चीज़ संभल पाती है। तो इनको एक्यूरेट वजह पता चल रही है इस रिश्ते के ख़राब होने की, और वो वजह यही है कि आपको अटेंशन नहीं दे पाए, इन्होंने उनको सुना जो आपके अगेंस्ट थे, तो इसी वजह से अब ये रिग्रेट की एनर्जी में है। आपको अगर रिग्रेट फील हो रहा है, आप अगर अपने पर्सन से माफ़ी मांग रहे हो, मनी मन आपको अपने पर्सन को देखने का मन कर रहा है, तो ये सब आपके पर्सन की एनर्जी है, और इसी वजह से अभी किसी को नहीं सुनेंगे। अब ये वो करेंगे जो इनके अकॉर्डिंग सही है इस रिश्ते के लिए, इन्हें अपने रिश्ते बचाने के लिए जो इन्हें सही लगता है ये वो करेंगे, ये अब दूसरों को नहीं सुनेंगे। और मूनोलॉजी से देखती हूँ इनका क्या इमोशंस हैं, तो मूनोलॉजी से इनके इमोशंस हैं यहाँ पे, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यानी ये अपने सपनों को प्रैक्टिकल प्लान पे सच होते हुए देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आपके साथ मिलकर जो सपने देखे थे वो अब पूरे हों, उसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। नेक्स्ट इनका मैसेज है, ये इमोशंस हैं, अ टाइम फॉर हीलिंग, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज, यानी कार्मिकों के साथ रहते रहते इनकी एनर्जी बहुत ख़राब हुई है, इसलिए मेडिटेशन वगैरह ही कर रहे होंगे, प्राणायाम वगैरह कर रहे होंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये हीलिंग ज़रूरी इसलिए है कि इस हीलिंग होके ही एक्शन के मोड में आ पाएंगे, ये एक्शन ले पाएंगे, इनकी एनर्जी इतनी प्योर हो पाएगी कि बोल्डली आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए इन्हें हीलिंग ज़रूरी है, और ये अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। ये स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस फ्री होंगे तब तो कुछ पॉजिटिव सोच पाएंगे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, देखिए कार्ड भी वही आया है कि अपने अंदर की हर नेगेटिव फियर, लस्ट एंड और भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, एंगर और ट्रस्ट इशू, सबको रिलीज कर रहे हैं। ये आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हर उस नेगेटिविटी को, हर उस नेगेटिव थॉट को अपने दिल से निकाल रहे हैं जिसकी वजह से आप सेपरेट हुए हो। नेक्स्ट यहाँ इमोशंस हैं इनके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, सपने इन्होंने जो आपके साथ सजोए थे वो अभी भी संजो के रखे हैं, उनको उन्होंने छोड़ा नहीं है, गिव अप नहीं किया है, अभी भी ये चाहते हैं
कि आपसे यूनियन हो जाए, अभी भी ये रिश्ता संभालना चाहते हैं। ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी यही है कि ये जो सेपरेशन की सिचुएशन है, जो जहाँ लैक ऑफ लव हो गया है, यहाँ ये प्यार लाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को फिर से ये प्यार से संवारना चाहते हैं। और देखिए क्या थॉट है इनके, इनके और थॉट है गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये आपकी सच्चाई को जान गए हैं। अभी तक अगर आपके बीच ट्रस्ट इशू था तो वो खत्म हो गया, अभी इन्हें समझ आ गया कि सच्चे आप ही हो। आपके अगेंस्ट बोलने वाले लोग हमेशा झूठे थे, आप हमेशा सच्चे थे और इन्होंने कहीं ना कहीं आप पे उतना ध्यान नहीं दिया। चेंज टू प्लेस, हो सकता है ये आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं बाहर घूम के आते हैं, ये कहीं बाहर आपसे मिलना चाहते हैं, या इनके ये रेजिडेंस या जॉब या कुछ या एनर्जी में भी चेंज, किसी तरीके का प्लेस चेंज होने वाला है और ये कर रहे हैं। हो सकता है ये ऐसी जगह रेजिडेंस अपना बनाए जहाँ से ये आपसे मिल सकें, आपसे बात कर सकें, कुछ ऐसा ये प्लान कर रहे हैं। शेयर योर बूंटीज, अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं और अपनी सुनाना चाहते हैं हर बात, एक एक बात जो जो आप सेपरेशन में गुजरी है। टाइम टू रिलैक्स, टाइम चाहते हैं ऐसा कि आपके साथ बैठ के बातें करें, मस्ती करें, जैसा पहले बबल फेज था वैसा बबल फेज फिर से हो जाए। ये सारी चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यही सारी बातें सोच रहे हैं कैसे सब कुछ ठीक हो जाए। योर कॉल विल बी आंसर, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, जो आप अभी तक भले ही इन्होंने कुछ झूठ बोल दिया हो लेकिन अब ये झूठ नहीं बोलेंगे, अब इनको अब ये आपको हर बात बताएंगे, हर बात सच्ची सच्ची बताएंगे, अब ये झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, क्योंकि आपसे दूर होने का नतीजा इन्होंने देख लिया है। पे टाइम, अब ये रिश्ते को टाइम देंगे, अभी तक इन्होंने टाइम नहीं दिया था, अभी तक अपने अपने वर्क में बिजी थे, अपनी चीज़ों में बिजी थे, लेकिन अब ये टाइम देंगे क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, अब वो पहले जैसे डिस्टॉर्टेड नहीं है। अगर वो आते हैं, आ ही रहे हैं, जो कि तो उनका कॉल मैसेज आता है, तो आप इस उनको उनकी कॉल मैसेज को पॉजिटिव वे में लेना, ये मत सोचना कि इन्होंने पहले से ऐसा किया था, तो पहले उन्होंने जो किया होगा सो किया होगा, लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब वो बदल रहे हैं, बदल के आपकी तरफ आ रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, जो जो आपके पर्सन जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में जा रहे हैं, सब चीज़ों को समझते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहें, सेशन बुक करना चाहें, काउंसलिंग वगैरह, कुंडली दिखाना चाहें, ड्रीम डिकोड करना चाहें, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, तो आपको नीड है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। गॉड ब्लेस यू, जय श्री राधे कृष्णा।